क्या आप देखिए कोर्ट घोटाला हुआ था 1.86 लाख रुपीस का कोर्ट घोटाला हुआ था। जब ये कोर्ट घोटाला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 200 से अधिक कोयले खदानों के नीलामी को रद्द किया और कहा कि सरकार फ्रेश नीलामी कराए। अभी मात्र 20 से 25 कोयले खदानों की नीलामी है, मात्र 20 से 25 कोयले खदानों की नीलामी, और उसमें से केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए लगाए। 2 लाख करोड़ रुपए, पहले तो 200 से अधिक कोयले खदान थे उसके लिए ये कहा जाता था कि 1.86 लाख का नुकसान हुआ है, मगर केवल 20 करके हमने 2 लाख करोड़ रुपए कमाए। तो सोचिए जब हम 200 का नीलामी करेंगे उसमें कितना कमाएंगे। ये 2 लाख करोड़ रुपए किसके जेब से निकला है? ये 2 लाख करोड़ रुपए उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के जेब से निकला है जिनके जेब में कांग्रेस की सरकार ने खदानों के माध्यम से पैसे देने का काम किया था। और इस जेब से किसने पैसे निकाले हैं? इन अमीर उद्योगपतियों के जेब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पैसे निकाले हैं 2 लाख करोड़ रुपए। स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए कमाया है सरकार, 1 लाख करोड़। किसके जेब से निकाले? उद्योगपतियों के जेब से निकाले हैं, उन उद्योगपतियों के जेब से जिनको की कांग्रेस ने देश के संपदा को लूटने की छूट दी थी। और ये पैसा निकाल के भारतीय जनता पार्टी किसको दे रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पैसे निकालकर उन राज्यों को दे रही है जिन राज्यों में कोल उत्पादन हुआ, जिन राज्यों से ये खदान आए हैं। और उन राज्यों में किसको? उन राज्यों के आदिवासियों, उन राज्यों के किसानों के हित के लिए लाखों करोड़ों रुपए उन राज्यों को दिए जाएंगे। एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट के जेब से निकालकर गरीब किसान और आदिवासी को पैसे देने का काम हकीकत में किसी ने किया है तो मोदी जी के सरकार ने किया है, पिछली सरकार ने लुटाने का काम किया था। ये एक उदाहरण आप दीजिएगा कांग्रेस करने के तरीके से बना। यहां तक कि बराक ओबामा जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा अभी टाइम्स मैगजीन में एक इंटरव्यू में कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द रिफॉर्मिस्ट इन चीफ ऑफ इंडिया। रिफॉर्मिस्ट इन चीफ, जो सबसे ज्यादा रिफॉर्म कर रहा है भारतवर्ष का, वैसे रिफॉर्मिस्ट इन चीफ है नरेंद्र मोदी। ये कोई साधारण चीज नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें अमेरिका के राष्ट्रपति के गुणगान की आवश्यकता है, ऐसी भी बात नहीं है। मगर मोदी जी के काम करने के तरीके से ना केवल हिंदुस्तान में, ना केवल बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर, बल्कि राष्ट्राध्यक्षों में भी एक हलचल उत्पन्न हुआ है। सभी ने माना है कि हाँ, निवेशकों को चाहिए कि वो हिंदुस्तान में जाकर निवेश करें। जब ये मेक इन इंडिया हिंदुस्तान में बढ़ेगा, हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी में एफिशिएंसी आएगी, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ऐसे विचार के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। दूसरा इस मेक इन इंडिया का ये रहा है कि जितने भी विदेशी देशों में मोदी जी का आगमन हुआ, वहां से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट को लेकर हिंदुस्तान आया। अभी हमने हाल फिलहाल देखा किस प्रकार वो चाइना गए, किस प्रकार वो साउथ कोरिया गए, चाइना में संघाई में उन्होंने इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग की, वहां कैसे लगभग 24 से 30 बिलियन डॉलर का भारतवर्ष में 5 वर्षों में निवेश होगा, इसको भी चाइना ने प्रॉमिस किया, वादा किया। तो स्वाभाविक रूप से चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, हर स्थान से, चाहे वो अमरीका हो, हर देश से मेक इन इंडिया के लिए निवेश को लेकर एक ऐतिहासिक रूप में प्रधानमंत्री भारत में आ रहे हैं। लाभ क्यों चाहते हैं? राहुल गांधी अपने ही संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक फूड पार्क नहीं बना पाए। 2010 में फूड पार्क पारित हुआ, मगर 2015 तक उन्हीं के सरकार ने निरस्त कर दिया उस फूड पार्क को कि वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, भूमि अधिग्रहित नहीं हो पाई। जो पेट्रोलियम लाइन आनी थी, वो पेट्रोलियम लाइन उनके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से मना कर दी। वही भूमि अधिग्रहण जो उनके पेट प्रोजेक्ट के नहीं हो पाई, आज वो हमारे भूमि अधिग्रहण पे उंगली उठा रहे हैं। जो 5 वर्षों तक अपने ही पेट प्रोजेक्ट को, तथाकथित पेट प्रोजेक्ट को अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लगा सकते, वो सहजादे देश के लिए किस काम के लिए? उनको छुट्टी पे ही रहना चाहिए, वो काम तो कर नहीं पाए, उन्हें छुट्टी पे ही रहना चाहिए। इसलिए बंधुओं, डिस इंफॉर्मेशन कैंप से कभी भी परेशान नहीं होना है, डिस इंफॉर्मेशन और मलाइन कैंपेन को ध्वस्त करना है।
क्योंकि एक बात याद रखिए, कुछ भी समझ में नहीं आए, क्या रोड कितना बड़ा, इकोनॉमी क्या हुआ, ये सब कुछ भी समझ में नहीं आए, फिर भी याद रखना अच्छे दिन, कोई पूछ अच्छे दिन कब आए तो आप बोलना जब घर से लुटेरे को भगा दिया जाए तो अच्छे दिन आ गए हैं, हिंदुस्तान से लुटेरों को भगा